नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पीएलसी पैनल का वायरिंग कैसे किया जाता है। ये जो पीएलसी पैनल आप देख रहे हैं, ये है आर्लेन ब्राडली का पीएलसी पैनल। तो उसका पीएलसी रैक को आप देख रहे हैं। तो पीएलसी रैक में क्या होता है दोस्तों, पीएलसी रैक में आप देखेंगे एक पावर सप्लाई कार्ड रहेगा, जिसको हम बोलेंगे पावर मॉड्यूल। यानी उसी मॉड्यूल में हम पावर सप्लाई देंगे तो जितना सारा इनपुट एंड आउटपुट मॉड्यूल है, सारे मॉड्यूल को पावर मिल जाएगा। तो फास्ट वाला है हमारा पावर सप्लाई मॉड्यूल। तो सेकंड वाला है कम्युनिकेशन मॉड्यूल। आप तो कम्युनिकेशन मॉड्यूल क्या करता है, कम्युनिकेशन मॉड्यूल का काम है जैसे कि यहाँ पे एक रैक आप देख रहे हैं, पीएलसी का एक रैक देख रहे हैं। मान लीजिए दो तीन रैक यहाँ पे होता तो सारे रैक को कम्युनिकेशन करने के लिए एक कम्युनिकेशन मॉड्यूल रखा जाता है। सारे रैक में एक कम्युनिकेशन मॉड्यूल रखा जाता है, वो सारे कम्युनिकेशन मॉड्यूल इंटरलिंक रहेगा और वो जाके एक प्रोसेसर पैनल के साथ कनेक्ट रहेगा। तो ये हो गया हमारा सेकंड वाला जो मैं बोला कम्युनिकेशन मॉड्यूल। तो यहाँ पे एक नंबर वाला हो गया पावर मॉड्यूल, सेकंड वाला हो गया कम्युनिकेशन मॉड्यूल, और अब बाकी जितना सारे देख रहे हैं सारे इनपुट आउटपुट मॉड्यूल से। तो थर्ड वाला ये जो है दोस्तों, ये हो गया इनपुट मॉड्यूल, लिखा हुआ है डीसी इनपुट। तो इनपुट एंड आउटपुट मॉड्यूल को आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान है, ऊपर में लिखा गया होगा इनपुट या आउटपुट। तो ये वाला देखिए दोस्तों, लास्ट का जो तीन मॉड्यूल है वो तीनों आउटपुट मॉड्यूल से। तो कहीं कहीं जगह पे आउटपुट मॉड्यूल को आउटपुट कार्ड कहते हैं, इनपुट मॉड्यूल को इनपुट कार्ड कहते हैं। तो यहाँ पे टोटल 11 इनपुट मॉड्यूल से और 3 आउटपुट मॉड्यूल है। तो ये सारे जितना सारा है सारे डिजिटल इनपुट डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल से। यहाँ पे एनालॉग इनपुट मॉड्यूल नहीं है दोस्तों। तो कुछ पीएलसी में एनालॉग इनपुट एंड एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल रहता है, तो उसे भी आप लोग सिमिलरली इसी तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वहां पे लिखा होगा AI और AO, यानी एनालॉग इनपुट एनालॉग आउटपुट। तो इसका जो वायरिंग रहता है दोस्तों, ये सारे मॉड्यूल्स का वायरिंग उसका पैनल का बैक साइड में रहता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, पैनल का बैक साइड में हम चले आए, यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे आप बहुत सारा टर्मिनल ब्लॉक्स नजर आ रहा है, और ये जितना सारा लगा हुआ है सारे फ्यूज टीवी के थ्रू लगा हुआ है, और पैनल का टॉप में कुछ रिले आपको नजर आ रहा है। तो जितना सारा रिले लगा हुआ है वो हो गया हमारा आउटपुट मॉड्यूल का वायरिंग कनेक्शन, रिले के साथ रहेगा, और इनपुट का जितना सारा वायरिंग कनेक्शन रहेगा ये फ्यूज टर्मिनल ब्लॉक के साथ रहेगा। तो हमने जो पीएलसी पैनल का रैक को देखा था, वहां पे हम देखे थे 11 इनपुट मॉड्यूल्स एंड 3 आउटपुट मॉड्यूल्स। तो कैसे हम मालूम करेंगे कि कौन सा वाला इनपुट मॉड्यूल्स का वायर कहाँ पे लगा है, कौन सा वाला आउटपुट मॉड्यूल्स का वायर कहाँ पे लगा है? तो आउटपुट मॉड्यूल्स का जो वायर आएगा दोस्तों रिले के साथ कनेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे आप 3 लाइन में 16 रिले देख रहे हैं। तो टॉप वाला देखिए दोस्तों, यहाँ पे रिले का नंबर कुछ लिखा गया है, क्या लिखा गया है, 0412 रिले 01। तो यहाँ से क्या पता चलता है दोस्तों, तो 04 जो लिखा गया है, 04 का मतलब है ये रैक का नंबर है, यानी पीएलसी रैक का जो नंबर है वो है 04। 04 का साइड में लिखा है 13। 13 का मतलब क्या है दोस्तों, 13 का मतलब है पीएलसी मॉड्यूल नंबर 13। तो यहाँ पे 3 पीएलसी आउटपुट मॉड्यूल था, एक था 12, दूसरा वाला 13 और एक 14 था। तो ये वाला है 13 पीएलसी मॉड्यूल का उसका जितना सारा आउटपुट रिले। तो सिमिलरली 14 नंबर आउटपुट मॉड्यूल का उसका जितना सारा रिले रहेगा उसका नंबरिंग भी इसी तरीके से किया गया है, यानी 04 रैक 14 मॉड्यूल रिले नंबर 1, ये हो गया। यानी एक नंबर बीट आप देखे होंगे पीएलसी मॉड्यूल में कितना बीट रहेगा, कितना चैनल रहेगा, पीएलसी मॉड्यूल में 16 चैनल रहेगा, जो कि 0 से शुरू होगा 15 में खत्म होगा। तो टोटल एक मॉड्यूल में 16 चैनल है, तो 16 चैनल के लिए 16 रिले यहाँ पे लगाया गया है। तो आप लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, टॉप वाला देखिए, उसी लाइन में 16 रिले लगाया गया है जो कि 12 नंबर मॉड्यूल का है, और मिडिल का देखिए, मिडिल में भी 16 नंबर रिले है जो कि 13 नंबर मॉड्यूल का है, और लास्ट वाला जो कि 14 नंबर मॉड्यूल के लिए है वहां पे भी 16 रिले लगाया गया है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कुछ एलईडी यहाँ पे ग्लो कर रहा है, सारे रिले का एलईडी ग्लो नहीं कर रहा है, कुछ रिले का एलईडी ग्लो कर रहा है। तो जो एलईडी ग्लो कर रहा है वो आपको समझना है कि वो वाला आउटपुट बिट हाई हो गया है, यानी उसी चैनल हाई हो गया है। तो ये जो रिले है दोस्तों, सारे रिले 24 वोल्ट डीसी में यहाँ पे ऑपरेट होगा।
तो मान लीजिए आपने पीएलसी में कोई कमांड दिया और आपका रेस्पेक्टिव आउटपुट चैनल हाई हुआ, आउटपुट चैनल हाई हो गया तो उसका रेस्पेक्टिव रिले भी हाई हो जाएगा, यानी 24 वोल्ट डीसी आने के बाद ये रिले पिकअप करेगा और इंडिकेशन ग्लो करेगा। और ये रिले में क्या होता है दोस्तों, रिले में हम लोग पहले से उसका जो एनओ कॉन्टैक्ट है, एनओ कॉन्टैक्ट में 230 वोल्ट एसी सप्लाई दिए होंगे, तो जैसे ही रिले पिकअप करेगा उसका एनओ कॉन्टैक्ट एसी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वहां से 230 वोल्ट जाके मोटर का जो कॉन्टैक्टर रहेगा, पावर कॉन्टैक्टर, उसी को पिकअप करेगा। तो ये देख रहे हैं दोस्तों, ये जो टर्मिनल ब्लॉक आप देख रहे हैं ये भी फ्यूज टीवी है, और ये आउटपुट टर्मिनल ब्लॉक का नंबर पीएलसी आउटपुट मॉड्यूल का नंबर के हिसाब से किया गया है, यानी उसका जो टर्मिनल नंबर है यहाँ पे DO0412 लिखा गया है। तो अभी आप जो ये टीवी देख रहे हैं ये सारे डिजिटल इनपुट का टीवी है, तो यहाँ पे ये टीवी नंबर क्या लिखा हुआ है, DI यानी डिजिटल इनपुट 0401, 04 यानी वो जो रैक नंबर था पीएलसी रैक नंबर 04 रैक नंबर का 01 मॉड्यूल का ये टीवी है। तो सिमिलरली 02 मॉड्यूल का उसका भी सेपरेट टीवी रहेगा, 03 इनपुट मॉड्यूल का उसका भी सेपरेट टर्मिनल ब्लॉक रहेगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे टोटल 11 इनपुट मॉड्यूल था, तो सारे इनपुट मॉड्यूल का सेपरेट टीवी नंबर कर दिया गया है। तो एक टर्मिनल ये जो सेट देख रहे हैं, एक सेट में 32 टीवी रहेगा, और यहाँ पे आप लोग जितना सारा ब्लू वायर देख रहे हैं सारे ब्लू वायर कनेक्ट हुए हैं पीएलसी मॉड्यूल के साथ, इनपुट मॉड्यूल के साथ ब्लू वायर कनेक्ट हुआ है, और जितना सारा आप लोग वायर देख रहे हैं वो सारे ब्लैक वायर जहाँ पे ये बड़ा बड़ा फेरूल लगा हुआ है ये सारे फील्ड से आया है, यानी एमसीसी पैनल से आया है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ टर्मिनल ब्लॉक में ओआर नहीं लगा है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे स्पेयर। तो मान लीजिए कोई इनपुट मॉड्यूल का उसका चैनल खराब हो गया, तो उसी टाइम हम क्या करते हैं, ये स्पेयर को हम लोग यूज करते हैं वहां पे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं उसका टीवी नंबर का कैसे डिजाइन किया गया है, 1, 2 से लेकर 32 तक किया गया है, और सबसे पहला वाला 1 वाला एक फ्यूज टीवी है, 2 नंबर वाला नॉर्मल टीवी है, 3 नंबर वाला फ्यूज टीवी है, और 4 नंबर वाला नॉर्मल टीवी है, ये सिक्वेंस में रखा गया है। तो मान लीजिए अगर 0 नंबर चैनल का आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो आपको टर्मिनल ब्लॉक नंबर 1, 2 देखना पड़ेगा, चैनल नंबर 1 के लिए 1, 2 टर्मिनल ब्लॉक चेक करना पड़ेगा, और चैनल नंबर 15 के लिए आपको टीवी नंबर 31, 32 पे चेक करना पड़ेगा कि वहां पे वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। हो सकता है फ्यूज यहाँ पे चला गया होगा, ये जो फ्यूज टीवी देख रहे हैं यहाँ पे फ्यूज को आप देख सकते हैं, तो ज्यादातर फ्यूज का प्रॉब्लम रहता है इसलिए पीएलसी इनपुट सप्लाई नहीं आता है। पीएलसी इनपुट मॉड्यूल का जो वायरिंग रहता है उसका टर्मिनल ब्लॉक तक वो डायरेक्ट होता है, लेकिन उसका जो आउटपुट मॉड्यूल का जो टर्मिनेशन रहता है वहां पे बीच में एक रिले लगाया जाता है, तो सबसे पहले रिले पिकअप करेगा, रिले के बाद रिले का एनओ कॉन्टैक्ट एनसी हो जाएगा, तब भी वो जो सप्लाई है सप्लाई पीएलसी टीवी के थ्रू जाएगा मॉड्यूल के पास। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपका पीएलसी के ऊपर थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप मेरा प्लेलिस्ट को चेक करें, वहां पे पीएलसी रिलेटेड एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसी प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, तो जाइए वीडियो को देखिए। तो आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमें कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।